कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली ब्लॉग में। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। शुरू काफ़ी देरी की कर चुकी हूँ मैं। और आप सब कैसे हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश दिन मतलब दो तीन दिन से लगातार हो रही है। एक अच्छा रहता है कि दिन में तो धूप निकल जाती है हल्की हल्की और मौसम साफ हो जाता है, लेकिन रात को बारिश हो जाती है। दिन में थोड़ा ठंडा भी रहता है, तो ये अच्छा रहता है क्योंकि दिन में जब बारिश होती है बहुत सारे काम रहते हैं जो कि बंद हो जाते हैं, ठप हो जाते हैं। ऑफिस जाने आने वालों का अभी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, लेकिन अब रात में बारिश होती है तो सब सोए रहते हैं, तो उससे क्या है मौसम में भी थोड़ी राहत हो गई है। और ऐसे में थोड़ा बहुत कहीं निकलना घूमने फिरने का भी मन होता है, नहीं तो गर्मी में कहीं जाने का मन ही नहीं हो पा रहा है, इतनी गर्मी हो रही है। आज पता नहीं जब से मैं उठी हूँ ना, मेरा ये मतलब ये वाला हिस्सा है सिर पे, यहाँ से ये पता नहीं कैसे दर्द हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं पता चले। जैसे उठी हूँ सुबह उठी हूँ तब से ही मतलब भारी भारी होए जा रहा है। और मुझे एक कमेंट आया था कि दीदी आप ना अपने घर क्लीन करने की वीडियो डालो। तो घर क्लीन करने की वीडियो तो मैं 4-5 दिन पहले ही जो मम्मी के घर गई थी तो वहाँ का भी डाला है मैंने, पूरा हाउस क्लीनिंग। और गाँव जाने से पहले गीता भी घर के पूरा अच्छे से धुलाई उलाई सब करके गई है, वो भी मैंने 4-5 दिन पहले ही मतलब 4-5 नहीं सॉरी हफ्ता हो गया होगा तब डाली थी हाउस क्लीनिंग की। तो आप उसको देख लीजिए जा करके। और बाकी का तो नॉर्मली हमारा घर में देखिए सब साफ सफाई डेली का झाड़ू पोछा ये सब चलता ही रहता है, लेकिन कोशिश करूँगी फिर भी आप लोगों की रिक्वेस्ट है तो मैं उसको पूरी करूँगी और थोड़ा सा घर में चेंजिंग करूँगी। वैसे तो मैं काम करवाने की सोच रही थी इस बार कि कोरोना नहीं आएगा तो मतलब घर में थोड़ा सा वाइट वॉश वगैरह कराना ये सब, लेकिन और बार दो बार से क्या हो रहा था कोरोना आ जाता था गर्मियों में। लेकिन इस बार क्या है कि आप लोगों को पता ही है मेरा ऑपरेशन हुआ है, तो ऑपरेशन में क्या है कि मैं मतलब कितना भी कहते हैं ना लेबर वाले काम करेंगे कुछ भी होगा, लेकिन फिर भी अपने आप को काफ़ी सारी चीज़ें उठाना इधर से उधर करना पड़ेगा, तो इस वजह से फिर टाल कर दिया है। तो इशू वही बोले थे मम्मी आपको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी और उठाना भी पड़ेगा बोझ, तो जो कि डॉक्टर ने मुझे 6 महीने के लिए कोई भारी हैवी चीज़ उठाने के लिए भारी काम करने के लिए मना किया है कि 6 महीने आपको ये सब नहीं करना है, लेकिन ये सब काम कराऊंगी मैं वाइट वॉश, थोड़ा बहुत टूट फूट भी होगी तो ये ज़रूर होगा, इसलिए ये कैंसिल कर दिया। नहीं तो पहले से ये तय था कि गन्नू पिंकू गाँव जाएंगे तो हम घर को चेंज कराएंगे, थोड़ा सा कुछ कुछ चीज़ें इधर से उधर होंगी वाइट वॉश होगा, लेकिन अभी नहीं हो पा रहा है कुछ भी इस वजह से। लेकिन हाँ आगे देखूंगी मैं जब 6 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, जब देखती हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे ये कहते हैं ना 4 साल हो जाएंगे घर में, 4 साल से वही सारी चीज़ें एक जगह देख देख करके हम लोग भी बोर हो गए और आप लोग भी बोर हो गए हो वही चीज़ें फॉलो करते करते देखते देखते, तो थोड़ा बहुत सभी को चेंज चाहिए। देखिए मुझे भी चाहिए और आप लोगों को भी चाहिए चेंज, तो कोशिश कर रही हूँ मैं। लेकिन हाँ सामान के लिए थोड़ा बहुत सजाने के लिए बताएं, सब लोग बोलते हैं घर सजाने के लिए, एक्चुअली सजाने के लिए दिक्कत नहीं है मुझे, समस्या क्या है पिंकू मेरा बहुत शैतान है, वो बहुत सारी चीज़ें तोड़ फोड़ करता है। मैं सोच रही थोड़ा सा बड़ा हो जाए वो, फिर उसके हिसाब से जो भी घर में सजाने का सामान है डेकोरेशन का सामान है लेके आऊँ, तब घर को अच्छे से सजाऊंगी। लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हैं जो घर में आनी बहुत ज़रूरी है, मिसिंग है अभी, उनको अभी मैं लेकर के आऊँगी, 1-2 सामान जो मुझे लेने हैं। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों को आगे। यहाँ देखो मैंने पूरी आमी सुखा दिए हैं छत पर और सीट पर, धूप ऐसी निकल रही है ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी गर्म आई है तो इसमें ही ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत सूख जाएंगे जो भी हैं, तो इसलिए यहाँ सुखा दी और आज ही सुखा दी, पता चले कल मौसम ज़्यादा ही ख़राब हो जाए। और ये वाली थोड़ी सी वैसे निकली थी ना गुठल के ऊपर, गुठली जो होती है उसमें मैंने हींग के अचार के लिए ऐसे करके सुखा दी है। और ये सारी आमी ये देखो सूख गई हैं, एक एक फांक को ऐसे पलट के ऊपर को सुखाना पड़ा, नहीं तो सूखेंगी नहीं। यहाँ देखे ईसू पोछा लगा रही है, सुबह का जो काम होता है वही सब हो रहा है घर में। मैंने जो किचन का काम था खाने पीने का वो मैंने कर दिया है, और जो आमी थी मैंने उनको पानी में से आप लोग देख रहे होंगे जो मतलब उसी का ही पानी था जिसमें नमक डाल के चराई थी ना, उसको मैंने निकाल के अब छत पे सुखा के नीचे आ गई हूँ।
और मैं झाड़ू लगाना, डस्टिंग करना, ये सब मैंने कर दिया था। घर सेट करना, ईसु पोछा लगा लिए, और मैं अभी पोछा नहीं लगाती हूँ। और ये पोछा हमारा, आप लोगों के साथ मैंने वैसे कई बार शेयर किया, तो इसको इस तरीके से ब्रश से घिस के साफ़ कर रही है, और आप देख रहे होंगे कितना गंदा निकलता है। तो जब गीता पोछा लगाती है तो वो करती है, मैं लगाती हूँ तो मैं जैसे ही पोछा लगाएंगे तो ब्रश से अच्छे घिस के साफ़ करके थोड़ा सा और साफ़ हो जाता है। और यहाँ पे बाथरूम वगैरह अच्छे से क्लीन करेगी, क्योंकि पोछा लगाने के बाद सीधा बाथरूम में पानी डाल देना। और मैं दोनों बाथरूम में ना वाइपर रखती हूँ अपने में, जैसे ही हम लोग नहाएंगे या कुछ भी हाथ पैर धोए हैं बाथरूम में, तो तुरंत ही वाइपर से पानी सूंत दो, जिससे कि सूखा रहेगा। सूखा बाथरूम रहेगा तो अच्छा क्लीन रहता है, गीला रहता है तो उसमें क्या है कि हम लोग जाएंगे तो पैर हमारे ही छफेंगे, फिर बाहर भी गंदा होगा, डोरमेट भी गंदा होगा और हमारा बाथरूम भी। अगर हम सूखा रखेंगे तो दोनों चीज़ें साफ़ सुथरी रहेंगी। मौसम अच्छा सुहाना हो रहा है और यहाँ पर बन रहा है सूजी का हलवा। मैं यहाँ पे मतलब घी डाल करके और थोड़ी सी सूजी थी उसको मैंने डाल दिया, अच्छे से भून रही हूँ। और घी मैंने जो गरम किया था उसी में से भगोने में से अभी मैंने डब्बे में छान के भरा नहीं है, भरूँगी इसको भी उसमें से ही, चमचे से मैंने डाल करके इसमें सूजी में डाल दिया है मतलब, और अच्छे से धीमी धीमी गैस करके भूनूंगी इसको। सूजी हमारी भुन के तैयार हो गई है। पानी और ये मैंने सब अंदाज से ही डाला है, ऐसा नहीं है उसका मेजरमेंट नहीं लिया है, क्योंकि मैं, ईशु और मम्मी, हम तीन ही मेंबर हैं तो थोड़ा थोड़ा ही, क्योंकि हलवा ऐसी चीज़ है कि ऐसा नहीं है स्टॉक करके इसको भर लो या ज़्यादा बना लो, बस गरम गरम ही अच्छा लगता है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी अपने अंदाज से डाल दिया और मीठा भी डाल करके अच्छे से धीमी गैस पर ही इसको मैं पकाऊंगी। और जब आधा पक जाएगा तब इसमें जो भी ड्राई फ्रूट मुझे डालने हैं उसको डालूंगी। सूजी के हलवा की वैसे रेसिपी इजी है, ज़्यादातर सभी लोगों को बनाना आता है। और सूजी का हलवा अगर बनाते हैं उस टाइम पे, जो सूजी थोड़ी मोटी वाली आती है ना, वो वाली सूजी का हलवा बनाना चाहिए, उसका एकदम अच्छा बनता है। दानेदार जो बारीक वाली सूजी आती है उसका उतना अच्छा टेस्टी नहीं बन पाता। यहाँ देखो मैंने धीमी धीमी गैस पर अच्छे से पका लिया है, अब लगभग हमारा हलवा बनके तैयार हो गया है। लेकिन थोड़ी देर और इसको, जो हल्का हल्का से आप देख रहे हैं नीचे से चिपक रहा है ना, ये बिल्कुल नहीं चिपकना चाहिए, एकदम से अच्छे से घी छोड़ देगा, तो इसका मतलब हमारा हलवा बन गया है। इसमें मैंने ड्राई फ्रूट भी डाल दिए हैं, तो आप लोग भी आ जाइए, आज सूजी के हलवे की दावत है घर पर। ऐसे ही मन हो रहा था, मैंने ऑपरेशन से पहले खाया था, और मतलब ऑपरेशन के टाइम पे तो वैसे आप लोगों को पता है बहुत परहेज का चला, उसके बाद खाया ही नहीं, तो आज मेरा बहुत मन हो रहा था। मैंने कि मौसम भी अच्छा हो रहा है, थोड़ा सा सूजी का हलवा बनाऊंगी, तो यहाँ मैं आप लोगों को खिला रही हूँ, आप लोग भी चख के बताइए कैसा बना है। यहाँ पे मैं आम का जो अचार मैंने मतलब सुखाया था उसको मैं नीचे दे करके आ गई हूँ, और बहुत ज़्यादा नहीं सुखाया है मैंने यहाँ पर इसको, क्योंकि ज़्यादा बाद में ना धूप अच्छी कैड़ी निकल के आ गई थी, और फिर ज़्यादा सूखने से ना अचार सूखा सूखा सा ही हो जाता है। मैंने इसे 2-3 घंटे की धूप लगाई है। यहाँ मैंने इसमें मसाला जो मेरा मार्केट का तैयार था वही मैंने लिया है, आप घर में भी इसको तैयार कर सकते हैं, वही राई है, सौंफ है, मेथी दाना है, थोड़ी सी अजवाइन है, धनिया है सूखा, और इसमें कलौंजी, हल्दी, नमक और मिर्ची। इसमें मैं थोड़ी सी यहाँ कलर वाली मिर्ची और ऐड कर रही हूँ, जिससे कि थोड़ा सा अच्छा मार्केट के जैसा हमारा चाट बन के तैयार होगा। और इसमें डाल रही हूँ सरसों का तेल, तेल बहुत ज़्यादा मैं नहीं डालूँगी, और इसमें मैं अच्छे से अब इसको मिक्स करूँगी। अभी आपने देखा तेल उतना नहीं डाला, बहुत लोग क्या करेंगे अचार में एकदम ऊपर तक भर देंगे। इसका जो पानी था ना, मैंने जो आमी पसाई थी मतलब, वो पानी मैंने फ्रिज में रख दिया था कि बाहर कहीं ख़राब ना हो जाए, वैसे तो खट्टा था ख़राब नहीं होगा, लेकिन अब मैंने वो बाहर निकाल दिया, उसी पानी को इसमें मैं ऐड करूँगी। अभी पहले मसाले और तेल के साथ अच्छे से मिक्स करके उसके बाद में अचार का जो तेल है उसमें, सॉरी पानी है, उसको इसमें ऐड करके, उससे क्या होगा आपका सालों साल अचार ख़राब नहीं होगा और बहुत जल्दी से गल जाएगा। अगर पानी नहीं डालते हैं तो उतना जल्दी नहीं गलेगा, उससे एक हफ्ते के अंदर ही आपका अचार बन के तैयार हो जाएगा इस तरीके से डालोगे। इसमें क्या है कि नॉर्मली जो टंकी का पानी होता है वैसा पानी वो नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी, तो आपका अचार कभी ख़राब नहीं होगा। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर देना, शेयर करना, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ देख सकते हैं मैंने सारा पानी लगभग डाल दिया, और आपको अभी दिख रहा होगा पानी 1 या 2 दिन में ही ये, आपको मैं और अगली वीडियो में दिखाऊंगी, आम ही सारा पानी सोख लेंगे, और जो हम लोगों ने तेल डाला है वो तेल मतलब
रह जाएगा, उसके बाद हमारा अचार देखना उसमें कितना पानी अच्छा खाने और जरा सा भी। गल के और खट्टा सा तैयार होता है, क्योंकि आम का अचार थोड़ा खट्टा ही अच्छा लगता है। कल मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और वीडियो पसंद आए हो तो लाइक जरूर कर दिया करिए, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी वीडियो।